जमुई मुख्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा बारी बारी से सभी थाना के कांडों की समीक्षा की गई। संबंधित थाना अध्यक्षों से क्षेत्र में हुए घटना दुर्घटना से भी अवगत हुए, साथ ही केस के निष्पादन का भी जायजा लिया। वही थाना अध्यक्षों के द्वारा बारी बारी से एक महीने के कार्य का लेखा जोखा एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान चल रहे केसों का जायजा लेते हुए सभी थाना अध्यक्षों को लंबित कांडों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। कई मामले में फरार चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अपराध पर शिकंजा कसने के लिए सख्त हिदायत थाना अध्यक्षों को दिया गया। इसके अलावा उन्होंने नियमित रूप से वाहन के कागजात जांच करने, हेलमेट के प्रति बाइक चालकों को जागरूकता पैदा करने एवं थाना में फरियाद लेकर आए महिलाओं वृद्धजनों पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। स्वर्ण रानी के साथ जमुई संजम आलम की रिपोर्ट। गोष्ठी थी, इसमें हम लोग कांडों के निष्पादन की दिशा में काम करते हैं और सभी थाना में जो घटना हुआ है, जो क्राइम हुआ है या जो कांड अंकित हुए हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं और उन लोगों का परफॉर्मेंस भी एवेल्युएट करते हैं कि पूरे महीने में किस थाने का कैसा काम रहा है, उन्होंने कितना फाइन किया, कितनी गिरफ्तारी किए, कितने कांडों का निष्पादन कर रहे हैं, उसी मूल्यांकन के बेसिस पे या तो उनको प्रशस्ति पत्र मिलता है या फिर उनके विरुद्ध में कार्रवाई होती है। इस बैठक में कुछ निर्देश भी दिया गया है कुछ विशेष तौर पर सभी थाना अध्यक्ष को? हाँ, निर्देश ये है कि वाहन चेकिंग बढ़ाएं और खासकर हत्या, लूट, डकैती और आम सेफ के मामलों में गिरफ्तारी में तेजी लाएं। ये मुख्य इनको डायरेक्शन था और इस दिशा में और भी जो हम लोग कर सकते हैं कार्रवाई करेंगे।